अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और आपको खुशहाल ही रखे, आबाद रखे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, हलीम बन रही थी और दलीम भी कहते हैं, ज़्यादातर दलीम कहना चाहिए क्योंकि हलीम हमारे अल्लाह का नाम हो जाता है, तो वो हमें खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही, और क्योंकि बहुत पाक नाम है इसलिए हमें दलीम कहना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता है हलीम में जो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो गोश्त ही होता है, और हलीम के अंदर ये होता है कि हलीम में गोश्त डालना जो होता है, हम साबुत नहीं डालते हैं उसको, पका के इसको अलग से रेशे करके डालते हैं, कोई मशीन में कर लेता है, कोई हाथ से कर लेता है, बट हमने हाथ से किया था। ये दोपहर का टाइम था, दोपहर में हलीम बन रही थी और दोपहर के खाने के लिए बनी थी लोग की, और यहाँ पर कराची हलीम की हलीम आई हुई थी, तो हम ये भी साथ साथ खा रहे थे दोपहर के खाने में, क्योंकि मैंने बहुत लेट उठी थी, सुबह सब उठ चुके थे 7 बजे की हलीम को, पता है हलीम में काफ़ी हद तक टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ पे खाना वाना खा के फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ना फ्रूट खा रही थी। मुझे फ्रूट इस टाइप का पसंद है, जैसे चाट बना के इसमें एप्पल बनाना, और उसके अंदर ना मैं चाट मसाला मैं ऐड करती हूँ, ना ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड करती हूँ, जस्ट उसको मीठा देने के लिए मैं इसमें डेट्स ऐड कर देती हूँ, खजूर जो होती हैं, क्योंकि खजूर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरीके चाट में भी बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है 7 बजे की हलीम चढ़ी हुई थी और मैं सो रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई कि किस तरीके से क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या नहीं, इस जहाँ से मैं उठी इसके बाद जो मैंने क्लिप ऐड की है वो मैंने उठने के बाद की। आपको पता है हलीम को ज़्यादा ही पकती है, और जितनी ही पकती है उतना ही उसका टेस्ट आता है, और यहाँ पर हमारी हलीम बन रही थी और सुबह सात से लेकर और रात के आप तकरीबन 8-9 बज गए थे, हलीम मुस्तकिल बन रही थी, पक रही थी, और यहाँ पे हमारी हलीम एक तरीके से रेडी हो चुकी थी, शाम के 7 बज गए थे। और यहाँ आपको पता है हलीम का जो जब तैयार हो जाती है तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं अनियन, जो अनियन ऊपर से गार्निश के लिए भी डलती है और उसके बाद बघार के लिए भी डलती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी हमने प्याज काटी थी, क्योंकि हलीम में ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है हलीम में, अगर प्याज ना हो ना तली हुई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हलीम मुझे अधूरी लगती है विदाउट अनियन, फ्राई अनियन एंड प्लस विनेगर के, नींबू भी ख़ास थी, विनेगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हलीम में, तो फिर मैं वही ज़्यादा खाती हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी और मेरी जो सिस्टर है वो प्याज ब्राउन कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी दिखा देते क्लिप, की जब हलीम बनती है तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्तन भी बढ़ जाते हैं, काम भी बढ़ जाता है, तो बस यहाँ मैं बर्तन धो रही थी और इसके बाद वो प्याज अनियन जो थी वो फ्राई कर रही थी यहाँ पे। और आप लोग बताइएगा आपको हलीम दलीम जो है वो किस तरीके की पसंद है, और बहुत कम लोग अच्छे हलीम बनाते हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हलीम सबको पसंद आती है। और यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई थी, आपको पता है प्याज फ्राई करने के बाद ना उसको खुली हवा में रखते हैं ताकि वो क्रिस्पी सी हो जाए, अगर वो हवा में नहीं रखते तो वो बिल्कुल नरम सी हो जाती है, और हमें बिल्कुल ही प्याज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा से भी डार्क हो जाती है वो कड़वा कड़वी हो जाती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हमने ना प्याज ब्राउन करनी होती है। और यहाँ पर पुदीना था, हरा धनिया था, जो हमने ऊपर गार्निश भी करना था, और हलीम में एक फ्रेशनेस सी स्मेल आती है। और मैं आपसे ये कह रही थी, हमेशा चहकते महकते रहे एज अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखा होगा आपने, पी थी वो फूलों का रस है, और जो फूलों का रस होता है वो कड़वा होता है लेकिन वो देती आपको शहद है, इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम तितली की तरह पिए, अगर हम किसी कोई चीज़ अगर हम कोई भी ऐसी बात जो है जो हमें नागवार गुजरती है, जो नहीं पसंद होती हमें, वो हम लोग अगर सबक का घूट समझ के अगर पी लेना उसे, तो वो हमारे लिए फिर आपको पता है शहद ही बनती है, और शहद आपको पता है मीठा भी होता है, वो हमारे लिए भी मीठा बन जाता है, हमारे लिए शहद बन जाता है। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अगर अपनाएंगे ना, आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप खुश रहने की, आपको पता है कि सबसे बड़ी बात हम में ये चीज़ होती है, हम ना लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि उसने हमें ये कहा, उसने ये कहा, या ऐसा हो रहा है, मैं कितनी जो होना है वो तो होकर रहेगा, और मज़ीद को सोच के ऊपर ना अपने ऊपर हावी करके ना इंसान अपना आप भी ख़राब करता है। तो अपनी सबसे पहले अपना सेल्फ लव होता है, अगर आपको अपने सेल्फ लव है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप
कितनी टेंशन लें, अगर टेंशन लेने से कभी कम भी नहीं होती। अगर आपको सेल्फ लव होगा ना, ऑटोमेटिक आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। अगर अपने आप से ही प्यार नहीं है ना, देखने वाले को भी फिर आपसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हम किसी को अच्छे लगे, या हम किसी के ऊपर, अगर जो हमें नेगेटिव पीपल जो होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं भाते, उनके लिए तो सबसे बेस्ट होता है अपने आप को अच्छा रखना, उनके दिखना होना। तो इसलिए आप जब भी हो सकते हैं, अगर आप ये भी होता है कि दिखावे के लिए अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो हमारा माइंड हमारा तेज आ जाए। और आपको पता है जो हलीम बन रही थी वो हमारे घर में मिला थी, जैसा कि आपने देखा है यहाँ हमारे मिला थी। तो और खाने में जो हमने रखी थी वो हलीम रखी थी, तो हमने इस तरीके से थालियों में निकाल दी थी। आपको पता है अगर बहुत बड़ा महफिल हुआ और तो इस तरीके से थालियों में निकालते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़े से इसमें फ्रेश धनिया पुदीना डाल दिया था, इसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी हमने प्याज डाल दी थी। अल्लाह पाक देखने वालों को भी इसका सवाब मिले और इसे करने वालों को भी अल्लाह पाक कबूल करे। मेन मकसद यही होता है कि अल्लाह पाक कबूल करना, अल्लाह पाक कबूल करना, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो अल्लाह पाक कबूल भी करे। और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग हो गई थी, और मॉर्निंग में पता रखी हुई रोटी, चली हुई जो रोटी होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नाश्ते में। अगर उसको फ्राई करके खाओ, और रात में बहुत ज़्यादा रोटियाँ बच गई थी, तो फिर मैंने सुबह नाश्ते के अंदर मैंने वही तल के खाई, क्योंकि मुझे फेवरेट नाश्ता लगता है, फेवरेट टू फेवरेट। अगर उसको अच्छे से तल ही जाए ना, तलने में भी वो जो होता है कि अच्छा सा पानी बराबर हो, घी बराबर हो, तो जाके वो अच्छी लगती है। यहाँ पर अपनी रोटी में उसको फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे वो होता है कड़क भी ना हो, ज़्यादा नरम भी ना हो, और पानी भी सही हो और घी भी सही हो। तो इसलिए ना अभी तक मुझे जो बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं ना, जिससे मुझे चाहिए होती है, वो रोटी मुझे बहुत कम मिलती है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपने पानी भी थोड़ा सही रखना है और घी भी आपने बराबर डालना है, तो आपकी रोटी अच्छी बनेगी, और ज़्यादा कड़क भी नहीं होगी, और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगी, और बिल्कुल परफेक्ट होगी, जिस तरीके से मुझे खाना पसंद है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरा चैनल पर अगर न्यू है ना, प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, या वो डिशेज हो, या वो आपकी सोच थिंकिंग चेंज होने वाली हो, या आपकी कोई ऐसी बातें मोटिवेशनल हो जो आपको मिलेगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।